अभी मैं आपसे चार सिंपल सेंटेंसेस बोलूंगी जिनमें मैंने कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का यूज किया है, और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको इन वर्ड्स की मतलब मालूम है या नहीं। ऑलराइट, तो नंबर वन है, अपने पेरेंट्स की हमेशा लुक आफ्टर कीजिए। लुक आफ्टर से क्या मतलब है इस सेंटेंस में। नंबर टू, हम अपनी जिम्मेदारियों को कैरी आउट कर रहे हैं। कैरी आउट से क्या मतलब है यहाँ पर। नंबर थ्री, वो अपने एक मुक्के से तुम्हें नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट का क्या मतलब होता है। एंड नंबर फोर, इस फाइल को एक बार गो थ्रू कर लो। गो थ्रू कर लो, गो थ्रू करने से क्या मतलब है यहाँ पर। अगर आपको इन वर्ड्स के मतलब पता है तो वेरी इम्प्रेसिव, आपकी इंग्लिश का बहुत अच्छा लेवल है। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक वर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता लग पाए हिंदी में भी। और अगर आपको इनके मतलब नहीं पता या फिर सिर्फ एक आध का ही पता है तो भी डोंट वरी, वीडियो के लास्ट तक आते आते आपको सबके मतलब पता भी चल जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है अदिति और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइज, ये वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर और ये है इसका तीसरा पार्ट। इसके पहले भी हम दो वीडियोस कर चुके हैं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। स्टिल आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि जब एक वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ दिया जाता है, मतलब दो तीन वर्ड्स का एक कलेक्शन बना दिया जाता है, जिससे उस ओरिजिनल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो वो वर्ब बन जाती है एक फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। लेकिन जब ये लुक और आफ्टर एक साथ आ जाते हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है लुक आफ्टर, जो कि है एक फ्रेजल वर्ब और जिसका मतलब है देखभाल करना। इसी तरीके की मोस्ट यूजफुल 10 फ्रेजल वर्ब्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब और देर नहीं करते, आगे बढ़ाते हैं आज के लेसन को और देखते हैं कि पहला फ्रेजल वर्ब कौन सा है। पहला फ्रेजल वर्ब है आज का कीप ऑफ, जिसका मतलब होता है दूर रहना या फिर दूर रखना, जिस भी सेंस में आप बोल रहे हो। और ये जो कीप है यहाँ पर गाइज, ये है एक वर्ब जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा, जैसे कि कीप्स, कैप्ट, कीपिंग। एग्जाम्पल देखिए, आग से दूर रहो, कीप ऑफ द फायर, कीप ऑफ द फायर। और अगर बोलना हो कि अपने हाथ मुझसे दूर रखो, तो इसको बोलेंगे कीप योर हैंड्स ऑफ मी, कीप योर हैंड्स ऑफ मी, अपने हाथ मुझसे दूर रखो, कीप योर हैंड्स ऑफ मी। नेक्स्ट है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक भी यहाँ पर एक वर्ब है जो कि सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज करता रहेगा अपनी फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि लुक्स, लुक्ड, लुकिंग। एग्जाम्पल्स देखिए, अपने माँ बाप की देखभाल करो, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। और अगर बोलना हो कि तुमने मेरे पौधों की अच्छी देखभाल की, तो इसको बोलेंगे यू लुक्ड आफ्टर माई प्लांट्स वेल, यू लुक्ड आफ्टर माई प्लांट्स वेल। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, इसलिए लुक को ईडी लगाकर पास्ट में यूज करा गया है, मतलब लुक की पास्ट फॉर्म का यूज करा गया है यहाँ पर, जो कि है लुक्ड। नेक्स्ट है कटन, जिसका मतलब है बीच में टोकना या फिर बात काटना। यहाँ पर ये कट भी वर्ब है जो कि अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, जैसे कि कट्स, कट, कटिंग। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कट की पास्ट फॉर्म भी कट ही होती है, कटेड कुछ भी नहीं होता, कट ही होती है कट की पास्ट फॉर्म भी। एग्जाम्पल्स देखिए, जब आपके बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में मत टोको, डोंट कट इन व्हेन योर एल्डर्स आर टॉकिंग, डोंट कट इन व्हेन योर एल्डर्स आर टॉकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरी बात बीच में क्यों काट रहे हो, व्हाई आर यू कटिंग मी इन, व्हाई आर यू कटिंग मी इन। नेक्स्ट वाला है नॉकआउट, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से हराना या फिर बेहोश कर देना। और ये जो नॉक है, ये भी एक वर्ब है जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसे कि नॉक्स, नॉक्ड, नॉकिंग।
एग्जाम्पल देखिए, हमारी टीम ने उनकी टीम को बुरी तरह से हरा दिया, मतलब पूरी तरह से हरा दिया। Our team has knocked out their team. Our team has knocked out their team. और अगर बोलना हो कि वो अपने मुक्के से तुम्हें बेहोश कर देगा, तो इसको बोलेंगे He will knock you out with one punch. He will knock you out with one punch. Punch यानी कि मुक्का। एक phrasal verb के एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि knockout के दो मतलब हैं, पूरी तरह से हराना और बेहोश कर देना। Next वाला है carry out, जिसका मतलब होता है पूरा करना या अंजाम देना किसी चीज को। और ये कैरी भी वर्ब है जो कि चेंज हो सकता है, जैसे कि कैरीज, कैरेड, कैरिंग। एग्जाम्पल देखिए, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। वी आर कैरिंग आउट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी आर कैरिंग आउट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने हमसे अपना वादा पूरा किया, या फिर उसने हमसे अपना वादा निभाया, उसको अंजाम दिया। He carried out his promise to us. He carried out his promise to us. Next वाला है keep back, जिसका मतलब होता है छिपाना। ये keep भी यहाँ पर एक verb है जो कि change हो सकता है sentence to sentence, जैसे कि keeps kept keeping। Example देखिए, मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपाती। I don't keep back anything from my parents. I don't keep back anything from my parents. एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? Are you keeping back something? Are you keeping back something? Next वाला है believe in, जिसका मतलब होता है मैं विश्वास रखना। और ये believe भी यहाँ पर एक verb है जो कि sentence to sentence अपनी form को change कर सकता है, जैसे कि believes, believed, believing। एग्जाम्पल देखिए, अपने आप में विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर बोलना हो कि वो भगवान में विश्वास करती थी, या फिर वो भगवान में यकीन करती थी, तो इसको बोलेंगे शी बिलीव्ड इन गॉड, शी बिलीव्ड इन गॉड। नेक्स्ट वाला है मेकअप, जिसका मतलब होता है बनाना, रचना या गढ़ना। और ये मेकअप यहाँ पर दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। मेक तो है वर्ब और अप है प्रेपोजिशन, इनको मिलाकर बना है एक फ्रेजल वर्ब मेकअप। और अगर इनके बीच में गैप ना होता, ये एक ही वर्ड होता पूरा मेकअप, तो इसका मतलब क्या होता है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये मेक जो यहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया कि वर्ब है, ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेक्स, मेड, मेकिंग। एग्जाम्पल देखिए, फालतू बहाने बनाना बंद करो। Stop making up lame excuses. Stop making up lame excuses. कहानियां मत गढ़ो। Don't make up stories. Don't make up stories. Next वाला है feel like, जिसका मतलब होता है मन करना या फिर इच्छा होना। और ये feel यहाँ पर एक verb है जो कि अपनी form change कर सकता है, जैसे कि feels, felt, feeling। Example देखिए, मेरा आज पिज्जा खाने का मन है। I feel like eating pizza today. I feel like eating pizza today. Next example है, उसके तुमसे बात करने की इच्छा थी या मन था। She felt like talking to you. She felt like talking to you. Past tense का sentence है, इसलिए feel की past form, felt का use हुआ है यहाँ पर। और last phrasal verb है आज का go through, जिसका मतलब होता है किसी खराब अनुभव से गुजरना, या फिर परखना, या फिर जांचना। और ये गो जो है यहाँ पर, ये वर्ब है जो कि अपनी फॉर्म बदलता रहेगा, जैसे कि गोज, गॉन, गोइंग। एग्जाम्पल देखिए, मैं मुश्किल समय से गुजर रहा हूँ, या फिर मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। और अगर बोलना हो एक बार इस फाइल को जांच लो या परख लो, तो इसको बोलेंगे गो थ्रू दिस फाइल वंस, गो थ्रू दिस फाइल वंस। गो थ्रू फ्रेजल वर्ब के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी खराब अनुभव से गुजरना, और एक होता है परखना या जांचना। सो गाइज, ये थे 10 मोस्ट यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स और उन पर बेस्ड सेंटेंसेस।
मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आपकी स्क्रीन पर जो ये तीन सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इनको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। बताइए मुझे कि किस वाले सेंटेंस में किस वाले फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।